फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को फुलेरा दोष का पर्व मनाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फुलेरा दोष का दिन समस्त प्रकार के दोषों से मुक्त होता है, इसीलिए आज के दिन समस्त प्रकार के मांगलिक कार्य किए जाते हैं। फुलेरा दोष के दिन को अभोज मुहूर्त का दिन भी कहा जाता है, अर्थात इस दिन आपको पंचांग में कोई भी शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। पूरे दिन सभी प्रकार के मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं, क्योंकि यह पूरी ही तिथि बहुत ही शुभ मानी जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि 2024 में फुलेरा दोष का पर्व कब मनाया जाएगा और इससे संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा। और हमेशा की तरह आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। और चैनल पे मेरे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कीजिएगा। तो चलिए आगे का वीडियो प्रारंभ करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में फुलेरा दोष तिथि को बहुत ही पवित्र तिथि मानी जाती है। आज के दिन समस्त प्रकार के मांगलिक कार्य किए जाते हैं, जैसे शादी विवाह जैसे कार्य, जनेऊ संस्कार का कार्य, मुंडन संस्कार का कार्य, गृह प्रवेश, नए व्यवसाय का प्रारंभ, जमीन की खरीदारी आदि जितने भी समस्त प्रकार के मांगलिक कार्य होते हैं आज के दिन सभी किए जाते हैं। और शादी विवाह जैसा मांगलिक कार्य तो आज के दिन बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। फुलेरा दोष का पर्व जो है वो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को समर्पित है। ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता के अनुसार आज के दिन ब्रह्मा जी ने वृंदावन के भांडीर वन में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह संपन्न कराया था, इसीलिए आज का दिन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। मथुरा, वृंदावन और उत्तर भारतीय लगभग सभी मंदिरों में आज के दिन यह उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे व्याहुल उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। फुलेरा दोष के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने अपने सखियों के संग फूलों की होली खेली थी, इसीलिए आज के दिन हर राधा कृष्ण मंदिर में और हर घर में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को रंग बिरंगे फूलों के संग सजाया जाता है। उन्हें रंग बिरंगे फूल अर्पित किए जाते हैं, उनके संग रंग बिरंगे फूलों के संग होली खेली जाती है। ऐसी मान्यता है कि अगर आपका कोई कार्य किसी भी कारण से रुका हुआ हो, वो प्रारंभ ना हो पा रहा हो, उसमें आपको असफलता प्राप्त हो रही है, तो अगर वो कार्य आज के दिन अगर आप संपन्न करते हैं तो वो कार्य आपका अवश्य संपन्न होगा, उसमें आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। इसीलिए आज के दिन हर व्यक्ति आज के दिन का इंतजार करता है, वो अपने किसी भी नए कार्य को प्रारंभ करने के लिए, अपने कार्य को संपादित करने के लिए, क्योंकि आज के दिन जो भी कार्य किए जाते हैं उसमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा करने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि 2024 में फुलेरा दोष का पर्व कब मनाया जा रहा है। तो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि का प्रारंभ 11 मार्च दिन सोमवार की सुबह में 10:44 से हो रहा है और द्वितीय तिथि का समापन 12 मार्च दिन मंगलवार की सुबह में 7:13 पर हो रहा है। तो उदया तिथि के आधार पर फुलेरा दोष का पर्व 12 मार्च दिन मंगलवार को मनाया जा रहा है। 12 मार्च का फुलेरा दोष का पर्व रेवती नक्षत्र में संपन्न हो रहा है और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है, जो कि बहुत ही शुभ है। यह जो पर्व है फुलेरा दोष का 12 मार्च का, यह ब्रह्म योग और शुक्ल योग में संपन्न हो रहा है। आइए जानते हैं कि फुलेरा दोष का जो पर्व है हमें यह किस तरीके से मनाना चाहिए। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि अगर हमारे आसपास राधा कृष्ण का कोई भी मंदिर है और वहाँ पर यह उत्सव मनाया जा रहा है तो उस उत्सव में आप अवश्य सम्मिलित होइए। आपको एक दिव्य अनुभूति होगी, आपको एक सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होगी और आपके जितने भी बुरे ग्रह चल रहे होंगे वो शांत होंगे। तो अगर यह उत्सव मनाया जा रहा है तो आप वहाँ पर अवश्य सम्मिलित होइए, क्योंकि आपको खुद ही बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर परिवर्तन महसूस होगा, क्योंकि जो आज का दिन होता है बहुत ही शुभ और मांगलिक दिन होता है। और अगर घर में आप ये उत्सव मना रहे हैं तो आज के दिन पीले वस्त्र पे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति या फोटो को स्थापित करनी चाहिए। उन्हें रंग बिरंगे फूलों से जितना आपसे संभव हो सके उनका श्रृंगार करना चाहिए। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण को आज के दिन पीला चंदन अर्पित करना चाहिए, उन्हें जनेऊ अर्पित करना चाहिए, एक वस्त्र उन्हें अर्पित करना चाहिए और मीठा पान उन्हें अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा राधा रानी मैया को आज के दिन श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए, एक वस्त्र उन्हें अर्पित करनी चाहिए और माता को सिंदूर अर्पित करनी चाहिए, उन्हें भी मीठा पान अर्पित करना चाहिए और रंग बिरंगे अबीर और गुलाल भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा आज के दिन आप जो भी आपसे व्यवस्था बन पड़े, सीजनल जो भी फल है, आप अगर घर पे कुछ बनाना चाहते हैं मिष्ठान वगैरह तो आप वो बनाइए या फिर मार्केट से भी लेके आप उन्हें भोग लगा सकते हैं।
और आज के दिन माखन और मिश्री का भोग अवश्य लगाया जाता है। इसके अलावा आप नारियल चढ़ा सकते हैं, दशहरा चढ़ा सकते हैं, जितनी सामर्थ्य जितनी भक्ति है वो चढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रमुखता आज के दिन फूलों की होती है, अबीर गुलाल की होती है, इसकी प्रमुखता ज़्यादा होती है। इसके अलावा फिर उनकी आप आरती कीजिए, धूप दीप उन्हें आप दिखाइए और पूरे दिन ज़्यादा से ज़्यादा भजन कीर्तन आप कीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए, क्योंकि आज के दिन कोई भी जो मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है, जो हमारे रुके कार्य होते हैं वो पूर्ण होते हैं। इसलिए आज का दिन बहुत ही उत्साह, बहुत ही श्रद्धा और भक्ति भाव के संपन्न कीजिए, क्योंकि आज के दिन आपकी कोई भी जो मनोकामना होगी वो अवश्य पूर्ण होगी। अगर आप अविवाहित हैं, आपके विवाह में अड़चनें आ रही हैं किन्हीं कारणों से, तो आज के दिन राधा कृष्ण की अवश्य पूजा करनी चाहिए। राधा रानी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए और भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को अबीर गुलाल और रंग बिरंगे फूल अर्पित करके उन्हें मीठा पान अवश्य अर्पित करना चाहिए और उनसे अपने जो शादी विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इसी प्रकार जो लोग विवाहित हैं, अगर उनके जीवन में कोई प्रेम संबंध की कमी है या आपस के सामंजस्य में कमी है, तो उन्हें भी इसी प्रकार से पूजा करना चाहिए और सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से उन अड़चनों को, उन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि आज का दिन जो होता है वो बहुत ही शुभ और पवित्र दिन होता है। तो आज के दिन मांगी गई जो प्रार्थना होती है, जो दिल से बोली जाती है, वो अवश्य ही पूर्ण होती है। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का फुलेरा द्विज के दिन जो यह उत्सव है, बहुत ही अच्छे से संपन्न कीजिए और उनसे अपने जीवन में चल रही संकटों को दूर करने के लिए प्रार्थना कीजिए, उनसे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए प्रार्थना कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।